नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज नगर पंचायत में जर्जर पोल गिरने से एक मकान की दीवार फटी। वहीं पर बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही देखी जा रही है। बिजली विभाग की लापरवाही से डुमरियागंज के वार्ड नंबर 12 में लोहे की जर्जर पोल था, जो लगातार बारिश से पोल गिर गया, जो बड़ी घटना होते होते बाल बाल बचे और लोगों की बिजली भी हुई बाधित। नगर में दर्जनों जर्जर लोहे की पोल से जा रही विद्युत सप्लाई। जय अजीत सिंह ने कहा कि जो पोल गिरा है उसकी है सूचना मिली, पोल को सही कराया जा रहा है जिससे बिजली आपूर्ति ना हो बाधित। जर्जर पोल को जल्द ही बदलवाया जाएगा। देखिए, विभाग की एक योजना आई है रिवैम्प करके, जिसमें जितने भी जर्जर पोल तार हैं, जहां भी लंबी स्पैन और भी जो आवश्यक सामग्री हैं पुरानी लाइनों में जो लगनी है, उनके सारे जो है योजनाएँ बना के विभाग को अवगत करा दिया गया है। जल्दी वो भी काम शुरू हो जाएंगे। अभी इस बारिश और प्राकृतिक आपदा में जितनी मतलब डैमेज हुए हैं, पोल तार खम्भे जो भी टूटे हैं, उनके लिए भी जो विभाग के पास संसाधन, उसमें काम कराया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक बिजली आपूर्ति दी जा सके। मतलब कोई गांव बंद ना रहे, प्रभावित ना रहे। और उसके अलावा जहां पोल टूटे हुए हैं उसकी भी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, जिससे जल्द से जल्द उस प्रभावित एरिया को ऊर्जीकृत किया जा सके। यह दिक्कत है बाबू की, लोहे का जो पोल लगा है नाली में लगवाए रहे, कई बार हमारे घर पर गिर गया है और हिल गया है, जैसे भूकंप आवे। और बच्चे लोग अगर नहीं भागते तो मर जाते कि जीते। और बिजली विभाग वाले सुनते हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं करते हैं। अरे दो तीन बार गिरा, इतने लायक नहीं है। छत गिरा, दीवार भी फट गई, पूरा घर हिल गई। और घर में वो रहने लायक है, बच्चों के कितनी खतरा हो जाएगी। दिक्कत यह है कि यह बिजली का पोल लगा था नाली के जस्ट बगल में, यह गिर गया आज लगभग 11:30 के करीब में, जिससे लगभग 50-60 घरों की बिजली बाधित हो गई है। हम ये कहना चाहते हैं जिसके घर के सामने गिरा उनका घर के कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि इनका घर क्षतिग्रस्त हो गया है और 50-60 घरों की बिजली बाधित हो गई। हम चाह रहे हैं बिजली विभाग वालों से कि तुरंत बिजली सप्लाई करें यहाँ पर। और पिछले 10-12 खंभों में देखे हैं क्षतिग्रस्त होने के कगार पे है। एक खंभा रास्ते में पड़ता है कब्रिस्तान के सामने, वो भी क्षतिग्रस्त है। और ऐसे 12-13 खंभा हैं। हम चाहते हैं इस खंभों की मरम्मत ही हो जाए तो कोई बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। दिन